आज के लेक्चर में हम थ्री क्रास थ्री मैट्रिक्स के डिटरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इससे हाँ, जो हायर मतलब ऑर्डर है फोर क्लास फोर या आपके पास फाइव क्रा, फाइव क्रास फाइव या सिक्स बाई सिक्स मैट्रिक्स की जो हमारे पास डिटर्मिन है उसको किस तरह फाइंड किया जाता है इस लेक्चर में आज उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त मिल सके लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को तो लेक्चर को समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स को कंसिडर कर लेते हैं ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके लिए आपके पास थ्री माइनस वन टू थ्री वन जीरो वन ज़ीरो माइनस वन ये एक हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स थ्री क्लास थ्री का ले लिया ठीक है अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले तो आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें ए एब्सोल्यूट इस तरह एब्सोल्यूट के साइन लगा दें इट मीन्स कि हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें सेम ये एलिमेंट्स भी इस तरह डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें थ्री माइनस वन टू थ्री वन जीरो वन जीरो माइनस वन ये हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिए अब हम इसको एक्सपेंड expand करेंगे एक्सपेंडिंग बाय अब बात नोट करें हम एक्सपेंड मतलब हम डिटर्मेंट फाइंड करेंगे दो तरीकों से यहां सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ रहे हैं ना ये एक्सपेंडिंग मेथड आपके पास है हम एक्सपेंड करते हैं डिटर्मेंट को और वहां से हम डिटर्मेंट का आंसर फाइंड करते हैं और एक आपके पास कोफेक्टर मेथड है जिससे हम कोफेक्टर को यूज को करके उसको डिटर्मेंट फाइंड करते हैं दोनों मेथड्स method, को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो मेथड है वो एक्सपेंडिंग मेथड है वो हम किस तरह यूज करेंगे एक्सपेंडिंग बाय आपकी अपनी मर्जी यहाँ किसी भी रो किसी भी कालम से एक्सपेंशन आप कर सकते हो लेकिन नॉर्मली हम किससे एक्सपेंशन करते हैं आर वन से करते हैं या उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंशन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ जीरोस ज़्यादा हो जिसमें एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो ज़्यादा हो तो उससे एक्सपेंशन करते हैं ठीक है थीके? उसे एक्सपेंशन जल्दी हो जाती है इस वजह से हम उसे एक्सपेंशन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट रो में आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वहाँ के पास थ्री है उसको लिख लें अब यहाँ इसके साथ जो एलिमेंट्स हैं ना वो अपने वो लिखने हैं जिस रो जिस काल में ये थ्री है उसको छोड़ दें ये ये वाली रो फर्स्ट रो और फर्स्ट काल में ये है तो उसको छोड़ दें उसके अलावा जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो वन जीरो जीरो माइनस वन रह जाता है फिर नेक्स्ट एलिमेंट पर आगे बढ़ें याद रखें नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास जो माइनस वन है ना इसका आपने साइन चेंज करना होगा मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया साइन चेंज करना होगा अगर प्लस है तो so उसको आप माइनस लिख लें अगर माइनस है तो उसको प्लस लिख लें सेकेंड एलिमेंट्स का अपने आर वन के एक्सपेंशन में साइन चेंज करना होगा ये जहन में रखिए ठीक है नेक्स्ट तो इसकी ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें तो आपके पास क्या थे थ्री जीरो वन माइनस वन और फिर नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड एलिमेंट है वो उसी साइन के साथ आएगा जो उसके साथ साइन है ओनली सिकेंड एलिमेंट का आपने साइन चेंज करना होगा एक्सपेंशन में ठीक है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कौन सी एक्सपेंशन में आपने कौन सी एलिमेंट का साइन चेंज करना होगा कौन से का नहीं करना होगा लेकिन आर वन के लिए इतना याद रखे कि सेकंड एलिमेंट का आपने साइन चेंज करना होगा ठीक है सो नेक्स्ट आपके इस, इसके जो टू जिस रो जिस काले में है उसको छोड़ दे तो थ्री वन वन जीरो के पास आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई इस, कर ले थ्री इन टू माइनस वन माइनस ज़ीरो प्लस वन यहाँ से आपके पास आएगा माइनस थ्री माइनस जीरो प्लस टू और यहां से आपके पास आ जाएगा जीरो माइनस वन तो सिंप्लीफिकेशन कर लें माइनस थ्री यहां से आ जाता है यहां से भी माइनस थ्री यहाँ से आपके पास माइनस टू दिन पास एट दिन आपके पास माइनस एट आपके पास आ जाता है सो इसका एक्सपेंशन का जो आपके पास आंसर है ना वो माइनस एट है यहां भी कुछ चीज़ें आप नोट कर लें अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का इफ फर्स्ट बात ये है कि इफ ए डिटर्मेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर आपके पास आप ए डिटर्मेंट फाइंड कर रहे हो वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है देन ए मैट्रिक्स स्क्वार्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक है एंड सेकेंड इफ ए डिटर्मेंट इज इक्वल टू जीरो देन ए मैट्रिक्स स्क्वार्ड सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे से अगर वो के पास आता है, तो वो इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स इस लेक्चर को आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं और किस तरह फाइंड किए जाते हैं तरीका सेम इसी तरह है नेक्स्ट आपके पास का जो मेथड है जो सेकंड मेथड आपके पास है फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ये आपके पास है थ्री वन माइनस वन टू जो सेम मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस किए उसको दोबारा लिखते हैं और सेकंड मेथड को यूज़ करते हैं या उसके पास सेकंड मेथड से डिटर्मेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं उसको इसमें डिस्कस करेंगे ठीक है यहाँ याद रखे ए डिटर्मेंट जो सेकंड मेथड है ना इसके थ्रू हम ए डिटर्मेंट किस तरह फाइंड करेंगे सो so, उसके लिए आपके पास ए डिटर्मेंट इक्वल होता है ए वन वन इंटू ए वन वन प्लस ए वन टू इंटू कैपिटल ए वन टू और फिर ए वन थ्री इंटू कैपिटल ए वन थ्री यहाँ यहां आप गौर से देखें ये ये जो ए वन वन है ना देखेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये इलीमेंट है ठीक है और ये जो आपके पास ए वन वन है ये को फैक्टर आपके पास है इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इको फैक्टर ऑफ ए वन वन है ठीक है सो इस दोनों डिफरेंस को आपके जहन में हो तभी आप इस फार्मूले को यूज़ करके ए डिटर्मेंट को फाइंड कर सकते हैं ठीक है यहाँ मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ कि इस इस जॉब के पास गिवन मैट्रिक्स है ना इसमें ई ए वन वन और ये ए वन वन क्या क्या कौन कौन से आपके पास एलिमेंट्स है और क्या है ठीक है सो ये ए वन वन जॉब के पास है ना ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है यहाँ आपके पास के थ्री है ठीक है और अगर आप ये कैपिटल ए वन वन जो फैक्टर ऑफ ए वन वन है इसको फाइंड करना चाहते हो तो ये फार्मूला आपने बढ़ाता है ए आई जे इक्वल टू माइनस वन पावर आई प्लस जे एम आई जे इसकी थ्रू अगर आप ए वन वन को फाइंड करोगे ना सो माइनस वन पावर वन प्लस वन और एम आई जे सो एम वन वन सो आपके पास माइनस वन पावर स्क्वेयर हो जाएगा और एम वन वन फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के आगे पास वन जीरो जीरो माइनस वन इसमें आप प्रीवियस लेक्चर में आप माइनर फाइंड करना वहाँ से आप इजीली सीख लें आपको फैक्टर फाइंड करना तो वहाँ से इजीली आपको इसकी समझ आ जा जाएगी यहाँ से प्लस वन आ जाएगा आपके पास यहाँ से माइनस वन माइनस जीरो सो आपके पास इससे आंसर क्या जाता है माइनस वन आपके पास आ जाता है सो so, अब आप देखें आपके पास ये जो ए वन वन और कैपिटल ए वन वन आपने पढ़ा है ना तो आपके पास ये थ्री की इक्वल है ठीक है और यहाँ से आपके पास माइनस वन आ जाएगा इसे दोनों मल्टीप्लाई आपके पास माइनस थ्री आ जाएगी यानी इसका आपके पास आंसर किया जाता है माइनस थ्री आ जाता है इसी तरह सेम प्रोसीजर से आपने इसको भी फाइंड करना होगा इसको भी फाइंड करना होगा और फिर उनको आप ऐड कर लें तो इनकी एडिशन से आपके पास ए डिटर्मेंट फाइंड हो जाएगा जो ए डिटर्मेंट का आपके पास आंसर माइनस एड की इक्वल आना चाहिए ठीक है तो ये आपके पास इसका सेकेंड मेथड था सो इससे हमारे पास जो क्या कहते हैं डिटर्मेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री आर मोर देन थ्री आप किस तरह फाइंड करोगे इस लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया और दो मेथड उसके लिए हमने पढ़े हैं ठीक है दोनों से आप ट्राई करें अगर डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके